क्रांति जो कदर ऐसे कराऊ तुमको, आओ भक्तो श्री वृंदावन घुमाऊ तुमको, आओ भक्तो श्री वृंदावन घुमाऊ लीला वृंदा जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनकी नकल हम कर लेते हैं बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ हम उनकी नकल नहीं कर पाते। यहाँ अच्छाई है, स्त्री की मर्जी के बगैर उसको कोई देख नहीं सकता है कि नहीं, बोलिए जोर से बोलिए, जैसे टाप की आवाज़ इसमें चली जाए यूट्यूब पे तो पूरी दुनिया ये देखे और कहे कि सिर्फ अकेला देवकीनंदन नहीं बोल रहा है, वहाँ ये है तभी बोल रहा है वो। क्या स्त्री की मर्जी के बगैर कोई देख भी सकता है उसको? ये अच्छी बात है यहां, ये एक्सेप्ट करनी चाहिए हमको, ये स्वीकार करना चाहिए। और अगर गलती से किसी ने कर दिया, देख लिया, उसको टच भी कर दिया, तो यहां का कानून इतना सख्त है वो किसी भी कीमत पे आपको क्षमा करने वाला नहीं। ये अच्छी बात है, ये हमें वहां स्वीकार करना चाहिए, हम सबको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी, यहां आदमी की हेल्थ की बड़ी चिंता है कि नहीं? हमारे यहां लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह, ट्रेन में मर गए, बस में मर गए, गाड़ी में मर गए, रोड पे मर गए, माइनर अटैक व्यक्ति को मार देता है, वहां बचा नहीं सकते डॉक्टर। छोड़िए, मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा अभी। हेल्थ वाइज यहां कितनी चिंता है, कुत्ते भी अगर कहीं पानी में फंस जाए तो हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए, एम आई राइट या रॉन्ग? और हमारे यहां आदमी फंस जाए ना बाढ़ में तो वो रस्सी से एक दूसरे को पकड़ के खींच लो, बचे भाग गए तो बच जा, नहीं तो बह जा। ये चीजें हम अच्छी नहीं एक्सेप्ट करते। यहां पर स्त्रियों की सुरक्षा बहुत अच्छी है, वो हमें भारत में लेनी चाहिए। यहाँ पर हेल्थ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो हेल्थ के लिए चिंतित हैं, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ये चीजें अच्छी हैं, ये लेनी चाहिए हमको वहाँ। यहाँ के रोड कितने अच्छे हैं, यहाँ पे लोग रोड पे थूकते नहीं हैं, हमें भी ये चीजें लेनी चाहिए। वैसे लोग सतयुग की बातें करते हैं, मुझे तो इन देशों में सतयुग से कम नहीं लगता। अब आप कह रहे हो साहब यहाँ आके आप भारत की बुराई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। यहाँ आप अपना मोबाइल छोड़ जाइए, सब छोड़ जाइए, कल आइएगा तो यहीं मिल जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और भारत में आदमी छोड़ जाइए, कल मिलेगा कि नहीं पता नहीं। ये चीज़ अच्छी है, ये हमें वहाँ लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कानून को फॉलो, और हम सब भारतीय भी आकर यहाँ फॉलो करते हैं। एक तो है ना, हमारी आदत इतनी खराब है, हम वहां भी नहीं करते तो हम यहां भी नहीं करते, यहाँ आके हम ये करते हैं, हम रोड पे नहीं थूकते। हमने आज, हम मुझे फिर से कई दिन हो गए, मैंने तो अभी तक एक तिनका भी नहीं रोड पे फेंका, हालांकि मैं तो भारत में भी नहीं फेंकता हूँ, जब से ये सब सफाई अभियान और ये चल रहा है मैं नहीं फेंकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जो भी चीज़ है मेरी गाड़ी में पड़ी रहे, जब कहीं जाएंगे तो साफ हो जाएगी। तो कुछ जो यहाँ की चीज़ें अच्छी हैं वो हमें वहाँ स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं यहाँ की, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग हाँ, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, बैड हैबिट्स, माँ बाप से अलग होना, स्वतंत्र जीवन जीना, फ्रीडम, ये जो बुरी चीज़ें हैं, माँ बाप से, परिवार से अलग होना, जो यहाँ की पारंपरिक है भाई, यहां तो सिद्धांत है इनका, ये हमने बहुत जल्दी स्वीकार कर ली। वहां पर पता नहीं कौन से निकम्मे लोग बैठे थे जिन्होंने कानून बना दिया आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो। क्या वो भारत की परंपरा है? क्या वो भारत जैसे देश के लिए अच्छा कानून है? मैं कोई पीएम नहीं हूं, मैं कोई सीएम नहीं हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं कोई नहीं, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते कभी कभी दिल में कष्ट होता है कि बुरी चीजों को तो हमने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया वहां पर, और अच्छी चीजों के लिए आज भी हम तरस रहे हैं, हम खुद भोग रहे हैं उन सब चीजों को। तो यहां पर
आप लोग अकेले काम करते हैं, स्त्रियां कभी भी अपनी मन से आ सकती हैं, जा सकती हैं, कोई ऐसा उनको असुरक्षा का भाव नहीं है। पर भारत में तो आज भी बहुत असुरक्षा है, वो भारत के किसी भी कोने में हो, एक कोने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर कुछ अलग टाइप की स्थिति है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।